बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं चिंटर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों पाकिस्तान बेशक अभी बहुत बुरी तरह से 3-0 से वाइट वॉश होने वाले हैं, वो डिफरेंट बात है यार। आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हम करेंगे पॉजिटिव बात। तो यहाँ पर बाबर आजम ने किए 158 रन। बाबर आजम बैटिंग टुडे वाज जस्ट फैंटास्टिक, मतलब बाबर आजम ने कमाल करके रख दिया आज। और 158 रन की वो अलग बात है यार, कितनी डॉट वाले के लिए वो साइड पे करो। लेकिन जी इंडिया के जर्नलिस्ट जो कि मैंने मतलब एक तरह से मैंने उनसे काफ़ी सीखा, और मतलब नथिंग अगेंस्ट देम और नथिंग मतलब डिसरिस्पेक्ट कहीं भी नहीं, बट उन्होंने अपने जो अपने चार पे राइट ने स्पोर्ट्स तक पे विक्रांत गुप्ता सर जी, उन्होंने बाबर आजम और विराट कोहली के ऊपर वीडियो की। मैं कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा, बाबर और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट उन्होंने अपने चार पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ मतलब दूसरे जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज एन एवरेज प्लेयर, और अगर उनको एवरेज तो नहीं कहा, उन्होंने कहा जस्ट अ गुड प्लेयर और वर्ल्ड के लिए गुड प्लेयर होंगे, जैसे जावेद नदाद थे, जहीर आवाज थे, उन्होंने कहा वैसे लेवल के प्लेयर वो नहीं है। लेकिन आज बैठ के उन्होंने कहा कि अगर इतने अच्छे प्लेयर हैं तो 100 करके दिखाएं, जो अगला मैच अपनी टीम को 100 करके जितवाएं, जीत के दिखाएं, जीत सकती है इंशाल्लाह। दुआ करते हैं पाकिस्तान जीते मैच, शायद खत्म भी हो गया तो यार उस पर डिफरेंट टॉपिक को बाद में रखेंगे, जैसे मर्जी जीते हो। तो या वो मैं वीडियो थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करूँ, मैच के बाद अपलोड करूंगा। तो या तो भाई जान वहाँ पर बाबर आजम ने यहाँ पर कर दिया सेंचुरी, सिर्फ सेंचुरी नहीं कि कैरियर बेस्ट किया, सिर्फ कैरियर बेस्ट नहीं किया, 158 रन बनाए भाई जान। और बाबर आजम ने बताया कि बाबर आजम कर सकते हैं, और बाबर आजम में सलाहियत और ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी यहाँ पर हमें बाबर आजम के बैट से देखने को मिली। 158 रन बनाए, चार चार छक्के भी मारे, और वो लोग कहते हैं मैं भी कह रहा हूँ छक्के नहीं मारे जाते, मारे तो सही, लेकिन शुरू में 20 डॉट बॉलें भी आपने खेली, वो देखने में अच्छी तरह की। यहाँ पर विक्रांत गुप्ता सर को और बाकी को उन्होंने रिप्लाई दिया, जो कह रहे थे बाबर आजम दुनिया के लिए एक अच्छे प्लेयर नहीं, सिर्फ एक गुड प्लेयर है, उनको ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर रिप्लाई दिया। और इंडिया में जो लोग जिम बाबर कहते हैं यार, आपको भी ज़बरदस्त किस्म का रिप्लाई मिल चुका है यहाँ पर, तो प्लीज़ शांति इख्तियार कर लें आप लोग। और अब जर्नलिस्ट को नहीं कह रहा, वो जो लोग जिम बाबर कहते हैं उनके लिए, बाकी विक्रांत गुप्ता सर की रिस्पेक्ट है, ही इज़ अ मतलब फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड, और एक कमाल के जर्नलिस्ट हैं वो रहेंगे, और कभी कभार आप ऐसे जर्नलिस्ट भी ऐसे बनाना दे देते हैं। और तो ये मैंने कहा चले इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आप करना चाहते हैं। उसके अलावा यार भाई पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, बॉलिंग आज मुझे नजर नहीं आई, बैटिंग में भी कम रन बनाए, सिर्फ बाबर आजम ने रन बनाए 158 रन, और बाकी टीम ने 170 किया। यार क्या कर रही थी बाकी टीम, इमाम ने कर ली 50 और 70, बाकी टीम रिजवान और बाबर ही सब कुछ करेंगे यार, मतलब रिजवान और बाबर के अलावा सुहेब मकसूद साउथ शकील क्या करने के आए हुए ये लोग, आंसर चाहिए मुझे। बाय बाय, टेक।